और एक आप है कि गवर्नमेंट सर्विस चाहिए, गवर्नमेंट सर्विस चाहिए, गवर्नमेंट सर्विस चाहिए, ऐसे मिलता है क्या गवर्नमेंट सर्विस? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। दोस्तों आज इस वीडियो की शुरुआत मैं एक गाने से करूंगा, फिल्मी गाना है, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। आप समझ गए मैं किस हीरे की बात कर रहा हूं? दोस्तों मैं बात कर रहा हूं भारतीय सभ्यता के हिसाब से सरकारी नौकरी का, जिसकी लत, जिसकी बीमारी, जिसकी चरसीगिरी, जिसकी हफीमगिरी, जिसकी नशा हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहा है, निस्तनाबूद कर रहा है, सत्यानाश कर रहा है दोस्तों, इस सरकारी नौकरी की उम्मीद है। दोस्तों मैंने ऐसे सैकड़ों परिवारों को जानता हूं जिनके बच्चे 20 साल की उम्र से लेकर 35 साल की उम्र तक सरकारी नौकरी के पीछे भागते रह गए, लेकिन उनको उनको हीरा नहीं मिली, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिली। दोस्तों बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां पे विश्व की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम आपके देश का, आपके राष्ट्र का, आपके हिंदुस्तान का सबसे बड़ी भारतीय जीवन बीमा निगम संस्था आप सबके लिए बाहें पसारे बैठी हुई है। आ जाइए, गले मिलिए, गले से लगिए, दिल से लगिए और दिन रात मिलकर काम करिए और आप अपने परिवार को उस सरकारी कर्मचारी से, उन सरकारी कर्मचारी के इनकम से, उन सरकारी कर्मचारी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, उन सरकारी कर्मचारी के रहन सहन, व्यवसाय, कारोबार, गाड़ी, व्यापार, बंगला से आप बेहतर साबित कर दीजिए। ये प्रण लेकर के मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ। मित्रों बहुत दुख के साथ में मुझे वीडियो शूट करना पड़ा। दोस्तों मेरे एक मित्र ने फोन कर लिया कि नहीं, मैं और मेरा बेटा ये लक्ष्य लिया है कि सरकारी नौकरी प्राप्त करेगा, मैं भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंट नहीं बनना चाहता, क्योंकि एजेंट बनना बहुत छोटा काम है, मामूली काम है। क्या दोस्तों जो 10 20 25 50 100 लोगों को रोजगार दे वो छोटा काम है? दोस्तों मैं एक कर्मी बातें करने के लिए आया हूं, मैं कोई मीठी मीठी बातें नहीं करूंगा आज आपसे, आज आपके दिल के ऊपर चोट पहुंचाऊंगा, हथौड़ा मारूंगा और आपको जगा के जाऊंगा। सरकारी नौकरी का ख्वाब छोड़ दीजिए, जितने भी भारत में स्टेट गवर्नमेंट है, जितने भी नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सबने आहिस्ता 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 सरकारी नौकरी का खाता बंद करने के कगार पे चली गई है। दोस्तों दोस्तों अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हो ना, सरकारी नौकरी छोड़ के बाकी दूसरे काम की तरफ चलो, हम आपको सहयोग करने के लिए, अपने पैर पे खड़ा होना सीखिए, आप दूसरे को रोजगार देने वाला बनना सीखिए, आप दूसरे को कारोबार देने वाला बनना सीखिए, आप दूसरे को व्यवसाय देने वाला बनना सीखिए, आप दूसरे को बचत कराने वाला बनना सीखिए, आप दूसरे को अपने पैर पे खड़ा कराने वाला बनना सीखिए। क्यों नौकरी करके एक नौकर बनना चाहते हैं आप जीवन में? क्यों, आखिर क्यों? एक सरकारी नौकरी ही जिम्मेवारी है क्या हमारे देश में? सरकारी नौकरी कर लेंगे तो हमारा जीवन बनेगा नहीं तो हम खराब हो जाएंगे। दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम के इतिहास में ऐसे लाखों एजेंट हैं, लाखों, जिनके यहां 2, 4, 5, 10, 20, 100, 200, 500 लोग काम करते हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए वो कितने बड़े परिवार को साथ में लेकर चल रहा होगा, होगा वो एजेंट और एजेंसी फोर्स हमारे। भारतीय जीवन बीमा निगम कितनी महान संस्था है जो पिछले 64 साल से जो जो शब्द बोला है 100% अक्षरश उसको पूरा किया है। विश्व के सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, दुनिया के कई देशों में मल्टीनेशनल कंपनी की तरह ट्रीटमेंट इसको मिलती है, चाहे यूके में हो, कनाडा में हो, फिजी में हो, दुबई में हो, नेपाल में हो और अनेकों अनेक कंट्री में भारतीय जीवन बीमा निगम के नाम की डंका बजती है, जहां पर उसको मल्टी एमएनसी बोली जाती है, मल्टीनेशनल कंपनी बोली जाती है। और एक आप है कि गवर्नमेंट सर्विस चाहिए, गवर्नमेंट सर्विस चाहिए, गवर्नमेंट सर्विस चाहिए, ऐसे मिलता है क्या गवर्नमेंट सर्विस? अरे हिम्मत है तो कॉलेज में एडमिशन करा के देख लो अपने आप को, 98-99% से कम वालों को एडमिशन नहीं मिलता, आपको गवर्नमेंट सर्विस मिलेगा। भूल जाइए आप उन दिनों को जब गवर्नमेंट सर्विस हुआ करती थी, आज आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे जहां पे आप रोजगार सृजन करने वाले बने, रोजगार देने वाले बने, रोजगार लेने वाले नहीं। भारतीय जीवन बीमा निगम, हम और हमारी पूरी टीम आपको बाहें फैला के खड़ी है, आइए गले मिलिए, साथ में चलिए, आपके हर जीवन के हर दुख को, दर्द को, हर तकलीफ को साथ में सहने के लिए आपका भाई तैयार है। और दोस्तों आप आइए हमारे टीम में जुड़िए और जीवन के किसी भी पथरीली रास्ते पे गिरना और मचलने की बात तो बहुत दूर की है, आपको डगमगाने भी नहीं देंगे, आपको हिलने भी नहीं देंगे,
आपको इतनी मजबूती से, इतना संघर्षपूर्ण ढंग से आपको अपने पैर पे खड़ा कराएंगे कि आगे आने वाले 4 से 5 सालों में आप 100 से 500 लोगों को रोजगार देने वाला व्यक्ति बनकर तैयार होकर आएंगे। दोस्तों, मुझे ऐसे व्यक्ति की जरूरत है, मुझे ऐसे मित्रों की जरूरत है, मुझे ऐसे दोस्तों की जरूरत है जो रोजगार देने वाला हो, न कि लेटर लेकर पेपर लेकर रोजगार मांगने वाला हो। क्षमा करिएगा दोस्तों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आपके दिमाग में जो भूत चल रहा है ना सरकारी नौकरी का, आप निकाल के फेंक दीजिए। सिर्फ 0.1% युवाओं को सरकारी नौकरी मिल रही है। कितना? 0.1%। आप कितने परसेंट में आते हैं दोस्तों? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम का दुर्भाग्य है, हमारे देश की राजनेताओं और हम जैसे युवाओं का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में रोजगार से संपन्न एजुकेशन दी ही जाती है। रोजगार लेने के लिए हम पढ़ते रहते हैं हम पागल हो जाते और लास्ट में हमारा एज निकल जाता है, हम किसी नौकरी किसी काम के लायक ही नहीं रहते, क्योंकि हमारे दिमाग में तो पहले दिन से सरकारी नौकरी रुपये की इंजेक्शन डाल दिया हुआ है। कहां से आएगा सरकारी नौकरी? कौन सरकार देगा नौकरी? किस सरकार के पास में फंड इतना एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है? नहीं मिलने वाला, नहीं मिलेगा, नहीं होगा सरकारी नौकरी, नहीं करना है आपको सरकारी नौकरी। आप सरकारी संस्था के साथ में, भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ में जुड़िए और आप अपना करियर, आप अपना जीवन का उद्देश्य, आप अपना समाज सेवा का तरीका, आप अपने राष्ट्र सेवा और देश सेवा का तरीका को चेंज करिए और हमारे साथ में आके हाथ से हाथ मिलाइए और आप इस देश के प्रगति के झंडा को आगे लेके बढ़िए। वो दिन दूर नहीं है जब आप 100, 200, 500, 1000 लोगों को रोजगार देने वाले बन जाएंगे। ये मैं पूरे अंतरात्मा से कह रहा हूं, ये मेरा आशीर्वाद समझ लीजिए, बड़े भाई की प्रतिज्ञा समझ लीजिए कि आपको हमारे टीम में शामिल होकर के हमारे इस देशव्यापी आंदोलन को, जो बेरोजगारी खत्म करने का आंदोलन है, इसको आपको आगे लेके बढ़ाना है और अपने टीम में 10, 20, 100, 500, 1000 लोगों को शामिल करा करके इस झंडे को, इस आवाज को जन जन तक पहुंचाना है दोस्तों, जन जन तक पहुंचाना है। आइए, मैं आह्वान करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी हमारे टीम में शामिल हो और हमारे टीम में शामिल होकर के भारतीय जीवन बीमा निगम का अभिकर्ता बनकर के अपने देश की, अपने राष्ट्र की, अपने समाज की, अपने परिवार की और आप अपनी भी सेवा करें। इसी मंगल कामनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपको नमस्कार करता हूं। नमस्कार।